बराबर है कि हमारा होमवर्क करवाना बराबर है। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहला आई सेड के क्वेश्चन नंबर 11 में होगा ओके। तो क्वेश्चन नंबर 12 इज सिमिलर लाइक और उसका आंसर क्या आएगा अप्रोक्सीमेटली 52.5 या यू कैन ट्राई। देन व्हाट यू हैव डन क्वेश्चन नंबर 10 ओके एयरपोर्ट शेड्यूलिंग and in that case question number 9 is on similar line where you can do it okay। answer आप check कर लेना I will give you final answer आना answer 52.5 का airline वाला okay। then question number 16 we will do माने question number 15 is on similar line। अरे similar line के तमें try कर बराबर। 18 is of PM then you can try एकदम सिंपल समझे मतलब समझे only dummy column is to be inserted। अपने 19 कर ही रहा है airline scheduling sum starting you have to set properly and then we will go by one cycle method so you will get answer otherwise this sum generally consumes 30 minutes बराबर एवरेज 30 मिनट नहीं कर समय मार्क्स तो 8 जो है बराबर। सो व्हाट एट एनी एक्सपेक्टेड एयरलाइन इज ऑपरेटिंग 7 डेज इन अ वीक फॉलोइंग टाइम टेबल क्रू मस्ट हैव दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन मिनिमम लेओवर ऑफ 5 आवर्स એટલે બે ફ્લાઇટ વચ્ચે પાયલટ અને એની ટીમને 5 કલાક આરામ જોઈએ ઓછો ના ચાલે વધારે તો ચાલે। ऑब्टेन द पेयरिंग ऑफ फ्लाइट दैट मिनिमाइज द लेओवर उसको मिनिमाइज लेओवर करना है यानी चेन्नई मुंबई या मुंबई चेन्नई दोनों का ढूंढना पड़ेगा और इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो हम आंसर लेंगे फिर सम स्टार्ट होगा। फॉर एनी गिवन पेयर क्रू विल बी बेस्ड एट द सिटी रिजल्टिंग टू स्मॉलर नाउ सी क्वेश्चन हम किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम चेन्नई आपको फ्लाइट कहां से स्टार्ट करनी है स्टार्ट फ्रॉम चेन्नई। चेन्नई से अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको क्या देखना पड़ता है टेबल बताए आपको आपको देखना पड़ेगा अराइवल ऑफ और अराइवल फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई। अगर आपको चेन्नई से फ्लाइट स्टार्ट करनी है तो आपको देखना क्या पड़ेगा कि ये फ्लाइट चेन्नई पहले आई कब थी क्योंकि आएगी उसके बाद 5 घंटे रेस्ट होगा। So that is very important point starting point। Say for example आगे क्या आपने column बनाई है A1 A2 A3 A4 everyone please focus B1 B2 B3 B4 पहले तो pure logical ही करना पड़ता है लेकिन अगर logical में जाके तो बहुत time जाएगा बहुत okay। average एक डेटा ढूंढने में आपको 1 मिनट होंगे and approximately say for example 24 into 48 minutes तो चलेगी जाती है आपकी okay so it's very lengthy sum। so how to start पहले समझ लेते हैं लॉजिक करें फिर मैं आपको सिखाऊंगा 4 वैल्यू ढूंढो बाकी की 16 ऑटो मोड पे चली जाएगी ओके विल गो बाय साइकिल मेथड बट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस। लेट अस अंडरस्टैंड सबसे पहले B1 फ्लाइट जो है वो बॉम्बे से स्टार्ट कितने बजे हुई 8 बजे और वो चेन्नई पे कितने बजे आई 10 बजे। अभी चेन्नई आएगी उसके बाद उसी टीम में उसी पायलट को वापस चेन्नई से मुंबई जाना है तो इन दोनों के बीच में ही आपको 5 घंटे का आराम चाहिए ना क्योंकि आराम तब होगा अगर आप आओगे उसके बाद रेस्ट स्टार्ट करते हो तो थोड़ा आराम होता है। सो इफ आई स्टार्ट लाइक दिस कि अगर आप B1 से स्टार्ट करते हो B1 तो B1 का अराइवल कितने बजे 10 AM एंड सी दिस सम यू कैन नॉट यूज कैलसी एंटायरली यू कैन यूज कैलसी यूज क्या सम खत्म क्योंकि ये क्लॉक है ओके क्लॉक है यानी जैसे ही एलसी यूज करोगे सम खत्म ही हो जाएगा रो ऑपरेशन में जाते हो तो भी नाउ से यू कम एट 10 AM 10 वागे सवारे तुम्हें आया तो क्या आप A1 फ्लाइट ले सकते हो। A1 फ्लाइट कितने बजे चालू होगी 6 बजे तो 6 बजे फ्लाइट आप ले सकते हो कि नहीं ले सकते कैसे लोगे आए 10 बजे सुबह 6 बजे कैसे जाएंगे नेक्स्ट दिन का ले सकते हो लेकिन नेक्स्ट दिन का नहीं जाते अभी नॉर्मल समझते हैं तो 8 बजे की भी नहीं ले सकते 2 बजे की ले सकते कि हाँ सर चेक कर सकते हैं क्योंकि अगर आप 10 बजे आए उसमें 5 घंटे आप आराम करो 5 आवर्स ले ओवर तो कितने बजे के 15 नहीं घड़ी में ही जाना है 3 PM तो क्या 2 PM वाली फ्लाइट ले सकते हो आप? नहीं, क्योंकि अगर 2 PM वाली फ्लाइट ली तो क्या होगा आपका 4 घंटे का यात्रा, तो ये नहीं होगा। तो इसके बाद वाला नेक्स्ट ऑप्शन आपको जाना पड़ेगा। व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन? फिर A23 भी नहीं, आपका सीधा कौन सा ऑप्शन आता है? A4। और A4 कितने बजे है? 8 PM को। अरे वेटिंग क्यों ना, लेकिन फिर होगा क्या आपका डिफरेंस थोड़ा बढ़ जाएगा। तो 3 और 8 का डिफरेंस क्या होता है? 5। तो ऊपर का 5 ये और ये 5 दोनों को मिला के 10 घंटे का गैप। लेकिन ऐसा हम नहीं करते, हम क्या करेंगे थोड़ा ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे। B1 कितने बजे आया? 10 बजे। और ये फ्लाइट कितने बजे है? 8 बजे। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? कैलकुलेशन करोगे तो खत्म। अगेन आई एम रिपीटिंग, 10 से लेके 8 यानी 10 आवर्स। 10 થી 12 बधी जगह 12 લગી ઉભું રહી જવાનું મગજમાં। 10 થી 12 2 કલાક, 12 થી 8 8 કલાક, 8 ને 2 10 है आउट करना। दरेक जगह ऊपर और 12 वाले यानी इसी। तो आप आओगे और दूसरी फ्लाइट के बीच में 10 घंटे का गैप। इजी हो गए। तो क्या किया हमने? B1 और A4 का कॉम्बिनेशन किया। सो आई एम गिविंग दिस वर्ड L K। तो ये B1 है और ये A4 है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है K। और कितने आवर्स का गैप आया? 10। इजी हो गए। ऐसा आपको क्या करना पड़ेगा? अभी मान लो ये फ्लाइट आप मिस कर रहे हो कोई भी कारण से, तो कब दूसरे दिन आएगा? आला ही मिस करना तो 8 वागे वाले। तो बीजा दिवस सवाल ए वलन पकड़ी सका से सुधी आवा कर पड़ी आमन ना कर पड़ी। चलो एक और फरी હવે તું આન્સર આપજે તો જ ખબર પડશે। B1 ક્યારે આવ્યું? પ્લેન ચેન્નઈ ક્યારે ઉતર્યું? 10 હા, એટલે સવાર 10 વાગે। હવે એ ફ્લાઇટ વાન તારા આરામ કરવા દેવાનો કેટલા કલાક? 5। तो 10 वागे आवे आराम करो 5 कलाक कितना वाली है? 3। एक क्या जे अतारे आराम क्या करेलो चीज नहीं होते। હવે પહેલા ટેબલ માં જમ્પ કરવું પડે તમારે, કેમ કે એમકો પહેલું ટેબલ સુધી જે ચેન્નઈ ની બોમ્બે ની ફ્લાઇટ કેટલા વાગે ઉપડે? એક સવાર 6 વાગે ઉપડે, આપણે તો આયા 10 વાગે। 10 વાગે આવ 6 વાગે વાળી ફ્લાઇટ ક્યાંથી આવે? 8 વાગે વાળી ની ના લેવાય, 2 વાગે વાળી લેવાય। તો મગજમાં કેલ્ક્યુલેટ કરો, કોશિશ કરાય, પણ 10 થી 2 કેટલા કલાકમાં ગેપ થશે? 10 થી 12 2 કલાક અને 12 થી 2 બીજા 2 કલાક, 4 કલાક થયું। ભાઈ કાંટ ટેક 10 ટુ 2 એકો 4 અવર્સ ગેપ છે, એના સુધી તો મિનિમમ કેટલા કલાક? 5। એટલે એ બી નહીં યાર। તો હવે નેક્સ્ટ ઓપ્શન શું રહ્યો? સાંજનો 8 વાગે નો। તો તમે સવારે 10 વાગે આવો અને સાંજે 8 વાગે ની ફ્લાઇટ લો, તો સવારના 10 થી સાંજના 8 વચ્ચેનો ગેપ કેટલો? 10 કલાક। મગજમાં ઘડિયાળ સેટ કરવી પડે। एलसी पर ना आवे 10 થી 6 डिफरेंस काढो ने तो बी आंसर आवे। એટલે 10 થી 12 વગાડો બપોરના, 10 થી 12 વગાડો તો 2 વાગે, અને 12 થી સાંજના 8 વગાડો 8 વાગે, 8 અને ઉપરના 2 10 કલાક। હવે ખબર પડી આ? નહીં ખબર પડે તારી ઘડિયાળ ક્લિયર નથી આ બીજું છે બરાબર મગજમાં। ચલો કઈ વાતો ની ધ્યાન રાખો। હવે ચલો આપણે આ મેથડ સમજાય કે લોજિકલી ના ખબર પડે તો જો તું 10 વાગે પહોંચે સુધી અને તારે 6 વાગેની ફ્લાઇટ પકડવાની છે, તો આ દિવસ આથી 10 વાગે આજે 10 વાગે આપણે અહીંયા આવીએ વડોદરા, તો આજે વડોદરા 6 વાગેની ફ્લાઇટ થોડી પકડી શકીએ, બીજા દિવસની પકડી શકીએ। તો વિચારો આજના 10 વાગેથી કાલ સવારના 6 વાગે વચ્ચેનો ડિફરન્સ કેટલો? જો શાંતિથી 10 से 12 2 માને 12 કરવાના છે। હા એ તો કેટલા શાંતિ થઈ ગયા। 12 से 12 कितने? 12 प्लस 6 हाँ 20 आवर्स तक है। पर तो वो अग्रु गणित करने को मले एवं नहीं जान। आज 10 वागे जे तो काल सवार 10 वागे कितना कलाक था? अरे आज 10 वागे के काल सवार 10 वागे कितना कलाक था? 24 कलाक है। हां मतलब 4 ઓછા करना है मान બધું કરવાનું પ્લસ માઈનસ। आज 10 થી કાલ સવાર 10 24 કલાક आया। 12 वाला बराबर है, लेकिन ये इजी होता है कई बार। पूरा साइकिल कर रहे हो 10 to 10 is 24 और 10 नहीं सर 6 बजे भी है, तो रिवर्स -4 करोगे तो 20 होगा। तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन किया पता है आपको? B1 फ्लाइट 10 बजे आ रही है और A1 अगर पकड़ना है B1 और A1 तो कितना घंटे का गैप होगा? 20। तो B1 और A1 નો શું આવશે? 20। चलो एक बार ફરી બીજું ગણિત બતાવીએ, ધ્યાન દીજો। B2 કેટલા વાગે આવે છે? સ્તુતિ બોલશો આન્સર, એમ તો આ બહુ સમજ્યા નહીં। B2 કેટલા વાગે આવે છે સ્તુતિ? 11 વાગે। चलो कैलकुलेटर पर નથી કરવાનો 11 વાગે તમે આવો 5 કલાક આરામ કરો કેટલા વાગી જાય 4 વાગી જાય બી ફર્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડ જેવું કરે છો આંગળી પર ગણા જાય 4 hours 5 કલાક આરામ કરો એટલે 4 વાગી જાય એ બરાબર છે હવે આ ખાનામાં જોવાનું કેટલા વાગેની ફ્લાઇટ છે 4 વાગેની કોઈ ફ્લાઇટ છે પહેલા કોલમમાં તમે આવો પછી આ ફ્લાઇટ ઉપડવાની છે અને આ સ્ટાર્ટિંગ પર પડી કે એટલે ક્યાં જમ્પ થઈ છે તો હવે તમે સમજો તમે 4 વાગે ફ્રી થાઓ તો 2 વાગેની ફ્લાઇટ તો પકડાય કે જીપી 8 ની પકડાશે તો એનો મતલબ શું થયો તમે કઈ ફ્લાઇટ પકડી શકશો A4 કેટલા વાગેની છે 8 PM ની તો 11 થી 8 PM કેટલા થાય તો 11 થી 12 1 કલાક 12 થી 8 8 કલાક 8 + 1 9 કલાક તો કયું પેરિંગ કર્યું આપણે B2 અને A4 નો સમજાણું નામ L આપી તો B2 અને A4 નો L કેટલું પેરિંગ આવે 9 ઓકે ચલો હવે ઓરલ ગણો ચલો ઓરલ ગણો સુધી આવશે D3 કેટલા વાગે પહોંચ્યું 4 વાગે પહોંચ્યા 5 કલાક આરામ કરો 4 વાગે પહોંચ્યા બપોરે PM એટલે બપોર પ્લસ 5 કલાક આરામ કરો એટલે કેટલા વાગે રાતે 9 વાગે કોઈ ફ્લાઇટ છે 9 વાગે तो कई लाइट पकड़ो हां बीजा दिन सवार 6 વાગે હવે તમારે આવું વિચારો આજે 4 વાગે થી એટલે 5 તો છે ને ખાલી ફ્લાઇટ કે પકડી એના માટે જોવાનું છે બાકી તમાર ગણતરી કઈ દીતાય કે આજે 4 વાગે થી કાલ સવાર 6 તો શું થાય બપોરના 4 થી રાતના 12 કેટલા કલાક થશે બપોરના 4 થી રાતના 12 अरे मैं बारहवीं साइकिल है तो 12 से 4 में 8 અને રાતના 12 ની બીજા દિવસ સવાર 6 8 + 6 કેટલા કલાક થાય 14 હજી તમે બહુ અઘરું કરો હા બધું કરે પણ તમે બારે ઊભા રહો ઇટ વિલ બી હેલ્પફુલ તમે સાંભળો આજે બપોર 12 વાગે છે તો રાતે 12 સુધી કેટલા વાગશે તો જો 12 અને 4 નો ડિફરન્સ એટલે 8 કલાક અને રાતે 12 ની બીજા દિવસ સવાર 6 કેટલા કલાક થાય 6 કલાક तो 6 અને 8 કેટલા થાય 14 કલાક થાય કયું પેરિંગ કર્યું B3 અને A1 હા તો આ B3 અને A1 નું પેરિંગ કર્યું ડાયરેક્ટ કેટલા કલાક થાય 14 સમય પડે પછી મને કહો B4 9 વાગે રાતે આવ્યો 9 જોડે રાતે 5 કલાક એડ કરો 2 વાગે રાતના 2 વાગે કોઈ ફ્લાઇટ છે નહીં સીધી સવાર 6 વાગે ની ના ના એ તો બપોર 2 છે तो શું કરવાનું રાતે 9 થી રાતે 12 કેટલા કલાક થાય 9 થી 12 3 ભાઈ રાતે 12 થી 6 અને 3 9 કલાક સમજ પડી કે કયું પેરિંગ કર્યું તમે B4 અને A1 તો આ પેરિંગ થયું આ સ્ટાર એટલે આપણે ઓરલ પેરિંગ કરીએ 9 હવે સાંભળો ધ્યાનથી માની લો એ 6 વાગે વાળી ફ્લાઇટ ના પકડી શક્યા તો બીજી ફ્લાઇટ કઈ આવે 8 વાગે તો રાતે 9 થી હા સીધા પ્રશ્ન કરવાનો એટલે શું આવે 11 હવે સમજણ પડે હવે જો હા હવે હું તમને શીખવાડું આપણે સાયકલ ગોઠવીશું જો ધ્યાનથી A1 ફ્લાઇટ છે A1 એ 6 વાગે છે એ મિસ થાય તો A2 કેટલા વાગે છે 8 એટલે આ બંનેનો ગેપ કેટલો 2 A2 મિસ થાય તો A3 A2 અને A3 નો ગેપ કેટલો 6 9 A2 6 વાગે ઉપડે सॉरी A1 6 વાગે આપણે A2 8 વાગે ઉપર એનો ગેપ 2 8 વાગે ની તમે છૂટી જાય તો 2 વાગે ની કેટલો ગેપ 6 બરાબર 6 A3 તમે મિસ કરી જાઓ તો A4 6 અગેન 6 અને સાંભળો A4 મિસ થઈ જાવ તો કોનો વારો આવે A1 નો વારો અને એનો ગેપ કેટલો રાતના 8 થી 12 4 કલાક અને 12 થી સવારના 6 કલાક 10 કલાક अब આપણે આટલો 4 ડેટા શોધવાનો પછી છે ને આમ જાદુ કરવાનો જો આ 10 વાગે આ મિસ થાય ને આમ થી ડડા અહીંયા 10 10 + 10 20 22 22 + 6 28 પછી આ 9 9 + 10 19 19 + 2 21 21 + 6 27 આ અહીંયા છે 14 આ મિસ થાય તો 16 આ મિસ થાય તો 22 આ મિસ થાય તો 28 આ જો ઓટોમેટિક 9 છે ए मिस થાય તો 11 આ મિસ થાય તો 17 આ મિસ થાય તો 23 અને પછી બહુ એવું લાગે કે સાલું ખોટું હોય તો કોઈ બી એક રેન્ડમ ચેક કરવાનું દાખલા તરીકે આપણે આ ચેક કરવું છે चेक करो तो चेक करेंगे B3 यानी A3 तो B3 કેટલા ગયા 4 B3 4 B માં આવ્યો અને તમારે A3 પકડવી હોય 2 વાગે તો સાંભળો તમે 4 વાગે આયા તો 2 વાગે ની ફ્લાઇટ તો પકડાય નહીં બીજા દિવસ પકડશે તો 4 થી એને રાતે 12 કેટલા 8 અને રાતે 12 થી બીજા દિવસ 12 કેટલા કેમ કે 2 વાગે છે ને રાતે 12 થી બીજા દિવસ 12 કલાક અને 12 થી 2 કલાક तो रातना 12 થી 12 2 કલાક બીજા દિવસના 2 કલાક એટલે 14 અને આ રાતે 4 થી લઈને આ એવી કરે સીધું બપોરના 4 થી કાલના બપોરના 4 કેટલા થાય 24 કલાક અને એથી 2 કલાક પહેલા બપોરની ફ્લાઇટ છે તો 22 કલાક તો આ 22 આવ્યો ને તો આ ઓટો મોડ પર જતો પણ તમે સમજાવો ઓટો મોડ પર ના હોય તમારું મગજ જ કાણું થઈ જાય કે આ શું થાય અને બીજું પાછો આનો આપણે જે ગણ્યું એમાં ભૂલ નથી એનું શું પ્રૂફ છે यानी बच्चे गड़ियार मन की हम आप गणित सुनते अब कौन गणित एंथ्रोनॉस इस तरह से टीचर है ना इसको नहीं छोड़ना ना छोड़ ये थोड़ू आऊंगा ये तो गणित हुए है हमारा 20-25 करो ना 27 28 हम इतना जामा हम करोगे 10 + 10 20 हो देगा 30 ना हो तो 1 2 3 करेंगे चलो इसकी खबर पड़ी सो दिस इज योर फर्स्ट टेबल પછી नेक्स्ट આવશે दिस से आई एम गिविंग टेबल ए अभी तो बाकी છે એ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ મુંબઈ હવે જો તમારે મુંબઈ થી સ્ટાર્ટ કરવું હોય તો શું કરવું પડે અરાઇવલ ફ્રોમ ચેન્નાઈ ટુ મુંબઈ તમે ચેન્નાઈ ટુ મુંબઈ આવો પછી મુંબઈ થી ફ્લાઇટ પાડો ને સો ઇટ ઇઝ B1 B2 B3 B4 A1 A2 A3 A4 okay so now again say we are taking two data for analysis purpose હવે આમાં શું કરવાનું છે we want to start from Mumbai એટલે ફ્લાઇટો ક્યાંથી ઉપર છે B1 B2 B3 ઉપરવાની મુંબઈ થી સ્ટાર્ટ કરવાનું છે એના માટે પહેલા મુંબઈ આવવું પડે તો સમજો આપણે સૌથી પહેલા A1 લાવો A1 कितना आगे उतरे जे 8 A1 હવે થોડું થશે ધીરે ધીરે ડોન્ટ વરી 8 વાગે તમે 5 કલાક રેસ્ટ કરો એટલે કેટલા વાગે 1 વાગે હવે તમે સમજો 1 વાગે એટલે 1:25 ની ફ્લાઇટ લેવાશે ને બાળકો તો 1:25 ની ફ્લાઇટ એટલે B1 લેવાય ના લેવાય B2 લેવાય ના લેવાય B3 લેવાય લેવાય કેમ કેમ કો B3 જે છે એ કેટલા વાગે ની છે 2 વાગે ની છે તો 8 થી 2 કેટલા કલાકનો ગેપ થયો 6 hours નો ગેપ એટલે 5 નો ફૂલફિલ થઈ ગયો so what combination we have done combination A1 and B3 so this is A1 and B3 yahan pe aapka answer aayega 6 is it okay dusra case lete hain A2 kitne baje aaya 10 baje agar aap 10 baje aate ho to 3-5 ghante aaram karoge to 3 baj jayenge to 3 baje wali koi flight hai nahi तो नेक्स्ट पॉसिबल फ्लाइट कौन सी है 7 PM तो 10 से 7 PM का गैप 10 से 12 2 घंटे 12 से 7 घंटे 7 + 2 9 hours what combination we have done A2 and so this is A2 and this is B4 what is it 9 hours फिर थर्ड वन A3 कितने बजे आ रहा है A3 4 बजे + 5 रात को 9 बजे वाली कोई फ्लाइट है नहीं है तो नेक्स्ट डे 8 तो 4 बजे से लेके रात को 12 बजे तक 8 घंटे रात को 12 बजे से दूसरे दिन सुबह 8 बजे दूसरे 8 घंटे 8 + 8 = 16 क्या कॉम्बिनेशन किया A3 B1 इज 16 इज इट ओके फिर A4 रात को 10 बजे आता है तो रात को 10 बजे वाला दूसरे दिन सुबह 8 का फ्लाइट ले पाओगे आराम से क्योंकि 10 से 12 2 घंटे का रेस्ट और 12 से 8 दूसरे 8 घंटे का रेस्ट और टोटल 10 hours रेस्ट A4 and B1 व्हाट इज गैप 10 इज इट ओके अब सुनो ध्यान से इसमें सीक्वेंस में जाते हैं ये वाला चेक करते हैं A4 जो है वो रात को 10 बजे आता है और दूसरे दिन सुबह 8 बजे वाली फ्लाइट अगर आप पकड़ते हो तो 10 बजे का होगा गैप 10 घंटे का गैप होगा बराबर है ना, एक और रात में 10 वागे आया, 10 की बार 2 कलाक, 12 की 7 8, मानी लो B1 ભૂલી ગયા, મિસ થઈ ગઈ, તો કઈ બીજી ફ્લાઇટ આવશે B2 9, એટલે આમાં 10 કલાક રેસ્ટ થતા, તો આમાં કેટલા કલાક રેસ્ટ થઈ જાય 11 કલાક થઈ જાય। એટલે A4 અને B2 A4 અને B2 નું કોમ્બિનેશન શું થઈ ગયું 11 થઈ ગયું। હવે ધ્યાનથી જો આપણે સાયકલ બનાવી દઈએ एवरीवन A1 કે B1 કેટલા ગયો ઉપર છે 8, એ મિસ થઈ જાય તો B2 કેટલા કલાકના ગેપ પર મળે 1 કલાકના ગેપ પર મળે। B1 મિસ થઈ જાય 8 વાગે તો B2 9 વાગે 1 કલાકના ગેપમાં મળે। B2 મિસ થઈ જાય તો B3 કેટલા કલાકના ગેપમાં મળે 9 થી 2 5 કલાક। B3 મિસ થઈ જાય તો B4 કેટલા કલાકના ગેપમાં મળે 5, અને B4 મિસ થઈ જાય બાળકો તો B1 ક્યારે મળે જોજે 7 થી 7 12 કલાક અને પ્લસ એક બીજો 13 કલાક, 13 કલાકના ગેપ પર મળે। ઇઝ ઈટ ઓકે? ઇઝ ઈટ ઓકે? चलो હવે આજે પેલા 4 પોઈન્ટ જોડે ને પછી સેટ બનાવી દે। જો આ પહેલું 10 છે, આમ જાવ એટલે +1 કરો એટલે 11, હજી +5 કરો એટલે 16, 16 + 5 કરો એટલે 21, આ 16 છે, 16 + 1 કરો એટલે 17, 17 + 5 કરો એટલે 22, 22 + 5 27, આ 9 છે, 9 + 30 22 22 है 9 plus 20 9 plus 30 is 22, 22 plus 1 is 23, 23 plus 5 is 28, 6 plus 5 is 11, 11 plus 13 is 24, 24 plus 1 is 25, and you can pick up any random number to check। Say I want to check this 28, तो combination શું છે a2 અને b3, તો સાંભળો a2 છે કેટલા આગળ છે A2 A2 10 વાગે આવ્યું અને એનું કોમ્બિનેશન શું લેવું કે આપણે B3 તો B3। હવે તમે સમજો 10 વાગે આવો તો તમે 2 વાગેની ફ્લાઇટ તો ના પકડી શકો કેમ, તો 5 કલાક આરામ કરો તો શું થયું બીજા દિવસ જ જવાશે। તો સાંભળો 10 થી 10 બીજો દિવસ એટલે 24 કલાક, પછી 10 પછી 11 12 1 2 24 પ્લસ બીજા 4 એટલે 28 કલાક, એટલે 28 કલાકના ગેપ પર એક ફ્લાઇટ તમને તમને ખબર પડે છે। તો હવે તમે જો આપણે ડિસ્કસ કેમ કરી ને તો બી આપણી 20 મિનિટ 22 મિનિટ તો જતી રહી, એમાં બી તમે ધ્યાનથી જોયું તો આપણે 8 ડેટા જ ખાલી થોટ પ્રોસેસમાં લાયા છે, બાકીનો 16 ડેટા આપણે સાયકલ મોડ પર લઈ ગયા છે। તમે બહુ થોટ પ્રોસેસ કરો યુ ડોન્ટ ગેટ આન્સર, અને હજી આન્સર તો બાકી છે। પછી આપણે શું લેવાનું છે A ઓર B whichever is lower, અને પછી બાળકો સમ ચાલુ થાય રો ઓપરેશન। So little sense if you don't have speed, as हम परीक्षा में पूछे चैलेंज करवा, बराबर है जो कि आना आंसर बहुत फिक्स हो जाएगी, we every time answer 40 or 52.5, बराबर है, so they don't change data। पर चलो जो ध्यान की 20 અને 24 માંથી શું લેવાનું 20, 19 અને 25 માંથી 19, અહીંયા 6, અહીંયા 9, 22, 21, 16, 9, 16, 17, 22, 17, 10, 9, 16, 8. Is it okay? And this is your main paper. Final answer one. ना ना જોઈ લો ને બીજું। અરે કશું હોય પછી ફોટો પાડી લેજો તમે કરો ના કરો રો ઓપરેશન। અચ્છા એવું છે ઓપરેશન। ચાલો ભાઈ ચલો રો માં સૌથી નાનો 6 અહીં શું આવશે 14 13 0 3 9 22 minus 9 13 21 minus 9 12 7 0 1 6 1 1 બરાબર છે, then here it is 0, then it is 1 6 16 minus 12 to 7 9 है ना 9 है ना 7 यहाँ पे 7 और 12। Is it okay? Now check this is row operation but oblique it is column operation। Okay तो अभी select करना शुरू करें। So this is first selection, this is second selection, this is third selection and this is fourth selection. नहीं वहाँ पे टाइम जाता है, यहाँ पे इजी. ओके सो यार कॉम्बिनेशन गोज लाइक दिस. ये A1 था, पता है ना आपको सीरीज में, A1 A2 A3 A4. A1 you are going to pair with B3, A2 you are going to pair with B4, A3 you are going to pair with B1 and A4 you are going to pair with B2. और डेटा कहाँ से लेना है आपको, यहाँ से A1 and this, not first table. ये main table, जो reverse table है. That is 6, A2, 9, B4 is 9, A3, B1 is 16, and A4, B2 is 14. Done. Question number 11. Say that. Question number 11 says that a traveling salesman has to visit 5 seconds. है 5 सेकंड पर वाला. He wishes to start. आलाइन को इस तरह है. He wishes to start from particular city. Visit each city, हर सिटी में घूमना है उसे. And once and return to his starting point. वापस भी आ जाना है. दो सिटी से स्टार्ट किया था वहाँ पे. And traveling cost is given, so definitely it's minimization of cost. तो अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन है अपने पास, we are not writing question directly, we are starting with row operation. चलो बोलो row operation में ये तो dash है, prohibited rows, okay? चलो सबसे पहले row में सबसे कम क्या है, 3. तो क्या है आपके पास 1, 6, 2, 3. फिर 3 है तो 1, 3, 0. 4, 0, 1, 4, 0, 0, 1, 4, 0, 5, 4, 3 है. मिनिमम क्या है उसमें, 3 है. 7 कहाँ से आया उसमें, B लाइन है ना हमारी. A B have already done. अच्छा A में गलती है. X. What is minimum, 3. So 3 है तो 4 में से 3 क्या है, तो 7 में से. ओके यहाँ पे 7 में से 3 क्या है तो 4. अब बराबर है 0 और यहाँ पे 1. चलो एक बार फिर से नेक्स्ट में सबसे मिनिमम क्या है, 3. सो ये इट विल बी 1 dash 3 0 1. नेक्स्ट में मिनिमम क्या है, 5. सो इट इज 2 1 dash 2 0. नेक्स्ट में क्या है, 3 0 0 4 dash 4. लास्ट में क्या है, 4. तो 0 0 1 3. इज इट ओके? देखो सब जगह पे 0 नहीं है, वरना वहां पे ही सब खत्म हो जाता रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं. सो वी हैव टू डू इट अगेन, dash 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 dash. दैट इज 1 2 0 0 1 1 0 0. देन इट इज 1 1 इज मिनिमम. It is 3, it is 2, it is 3, it is 0. 0, 0, 2 and 3, 1, 1, 0 and 4. Okay? चलो अब क्या करेंगे, we'll make lines. Tell me. सबसे पहले 5th row. फिर 4th column. 4th row. Anything is fine. L2. फिर 4th row. L3. लास्ट कॉलम. इसलिए क्योंकि एक्चुअली क्या ऐसे लाइन दिखने से देखने का कि 1 1 है तो मिनिमम 1 होगा, तो 3 0 ऐड होते हैं. जितने ज्यादा 0 ऐड हो उतना जल्दी आंसर आ जाएगा. ओके नाउ नेक्स्ट है मिनिमम क्या है 1. सो dash 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 dash. देन इट इज 0 0. यहाँ पे ऐड होगा 3 और यहाँ पे ऐड होगा 4. देन इट दिस रिमेन सेम 2 1 0 0 0 3 4 0 0 0 dash. चलो ऊपर क्या होगा, dash dash. फिर 0 2 0 0 1 चलो सबसे पहले एक थ्रो और एक कॉलम। तो पहला आने लगी L1, फिर आने लगी L2, देन फोर कॉलम, फोर थ्रो, चार लाइन देंगे और चार लाइन तो छह लाइन थी, छह लाइन नहीं होनी चाहिए, दो दो है ना। L3, L4, L5 डन। चलो अभी एलोकेशन करते हैं। यहाँ पे टाई, यहाँ पे टाई, यहाँ पे नहीं है। इसे पहले सिलेक्ट किया, जैसे इसे सिलेक्ट करते हो ये दोनों कैंसिल, वापस ऊपर से स्टार्ट करो। टाई टाई अगेन, देयर इज टाई अगेन, देयर इज कॉलम वाइज टाई, कॉलम वाइज टाई, कॉलम वाइज एक। दिस इज माय सेकंड सिलेक्शन, ये दोनों कैंसिल। अगेन ऊपर से स्टार्ट करो, टाई टाई टाई, एवरीवेयर देयर इज टाई, जो करना है वो। चलो मान लो इसको सिलेक्ट किया हमने, दिस इज थर्ड। जैसे इसे सिलेक्ट करेंगे ये कैंसिल, यहाँ पे ये कैंसिल, ओके। फिर यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक बचा, इसका फोर्थ सिलेक्शन किया, ये कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज माय फिफ्थ सिलेक्शन, ओके। तो व्हाट इज माय आंसर? चेक केयरफुली, यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन में, ए बी सी डी ई, और ऊपर भी क्या लिखा था, ए बी सी डी एंड। एवरीवन प्लीज चेक, अब वो इम्पोर्टेंट है। ए से काम करे आप, बी बस क्या होगी उसकी, क्वेश्चन में से आपको बताना पड़ेगा। फोर फोर मैंने क्वेश्चन में लिखा है। बी से आप कहाँ के करें, डी, फिर सी से आप कहाँ पे करें, ई फाइव, डी से ए, देन इट इज ई फाइव। व्हाट इज योर कॉस्ट? ट्वेंटी कैसे है बराबर है, सो सम तो बहुत इजी लगा। लेकिन सुनो, ये कंडीशन तो ठीक है, लेकिन अपनी दूसरी कंडीशन फुलफिल हुई कि नहीं। देयर वाज अनदर कंडीशन ऑल्सो। क्या कंडीशन थी वो पता है? कि आपको जो सिटी से स्टार्ट करना है वो सिटी घूम के वापस आना है, एंड दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट। बाकी सब इजी है। जैसे मान लो आप ए से कहां पे गए, चलो बात देखो, ए से कहां पे गए, बी, बी से कहां पे गए, डी, डी से कहां पे गए, तो पाचा ही गया तब। तो दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। कौन सी दूसरी कंडीशन क्या थी? टू विजिट ऑल सिटी एंड कम बैक टू मेन सिटी। तो ये तो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। चलो एक ही जगह कहां जाते हैं, बी से स्टार्ट करते हैं, तो बी से कहां गए, डी, डी से कहां गए, ए, और ए से कहां गए, बी, तो वो भी फुलफिल नहीं हुआ। तीसरा लेते हैं, सी से कहां गए, ई, ई से कहां गए, सी, तो लोचो। आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो भाई फुलफिल नहीं हो रहा है। मान लो ये करते हैं आप, डी से ए, ए से बी, बी से ए, तो भी फुलफिल नहीं हुआ। E से C और C से E, so it is not getting fulfilled. आंसर आई हो पर एने कंडीशन फुलफिल ना है, तो शू करवाना? तो क्या करना पड़ेगा, पूरा सब फिर से विद एडिशनल विद सो मेनी ट्रायल एंड एरर्स। क्या ट्रायल एरर करेंगे? देखो ये आंसर क्या है, सबसे सस्ता वाला, सबसे सस्ता, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मिनिमाइजेशन। सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट एम? आवर नेक्स्ट एम शुड बी कि थोड़ा खर्चा करो अगर दूसरी सिटी में घूम के आना है तो। So instead of 0 we'll start selecting, next minimum cost. 0 માં તો શું થાય, સસ્તું થયું પણ બધા સિટીમ કરીને આવી શક્યા હતા, તો સર બધા સિટીમ કરવું છે તો થોડો ખર્ચો કરવો પડશે, એટલે શું કરવું પડશે? હવે આપણે શું કરીશું, જ્યાં 0 સિલેક્ટ કરતા હતા ત્યાં 0, પછી કોક જગ્યાએ આપણે બીજું સિલેક્ટ કરી દઈશું, 2 સિલેક્ટ કરીશું, 3 સિલેક્ટ કરીશું, એન્ડ ધેન વી વિલ, બટ ઇટ વિલ બી ટ્રાયલ એવર એક્સરસાઇઝ ઓનલી, ઓકે। તો મેં ના 5 ઓપ્શન્સ लिख देता हूं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। પછી આપણે આગળ વધીશું। ઓપ્શન્સ હું એન્ડ ડાયરેક્ટલી ઓલસો યુ કેન ડુ ઇટ। સો વોટ વી આર ગોઈંગ ટુ ચેક કે પહેલા હમ सिर्फ 0 लेते थे, तो 0 में क्या हुआ, मिनिमाइजेशन और कॉस्ट में आंसर राइट है। लेकिन पहली कंडीशन फुलफिल हुई, दूसरी नहीं हो रही। सो व्हाट विल डू, विल इन्वेस्ट लिटिल मोर कॉस्ट एंड देन विल चेक। बिकॉज़ ये लिटिल मोर यानी ऐसा नहीं कि कोई भी एड हॉक स्टेप लो, हम सीधे तो जीरो ही करेंगे, सब जीरो करेंगे और एक टू करेंगे, ओके, कोई भी टू। लेकिन कई बार क्या होता है, एलोकेशन का ऑप्शन ही नहीं रहा तो वो ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। से फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद दिस टू, से फॉर एग्जांपल ये टू मैंने सिलेक्ट किया, यानी ऐसा नहीं है मुझे सब टू सिलेक्ट करना है क्योंकि इतने सारे टू तो होंगे ही नहीं। आई एम गोइंग टू सिलेक्ट जीरो ओनली, लेकिन बाकी सब जीरो और एक टू, यानी कॉस्ट क्या हो जाएगी 20 की जगह 22। लेकिन सब सिटी में घूम के आ सकते हैं कि नहीं वो देखना है। लेकिन सुनो, सब सिटी में घूमने के लिए कहीं ना कहीं हर रो और कॉलम में एक एलोकेशन होना चाहिए। अगर एलोकेशन नहीं होता तो वो सिटी में जा ही नहीं पाओगे। नाउ चेक केयरफुली, इफ आई स्टार्ट विद दिस टू तो क्या होने वाला है इन दिस सिचुएशन, ये टू मैंने सिलेक्ट किया तो उस रो और उस कॉलम में बाकी सब जीरो कैंसिल कर दूंगा, सो दिस गेट्स कैंसल और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ओके। अब इन तीनों में से टाई यहाँ पे एक ही है तो दूसरे नंबर पे मैंने इसे सिलेक्ट किया, जैसे इसे सिलेक्ट करूंगा ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कोई है नहीं। फिर यहाँ पे क्या होगा, टाई, यहाँ पे क्या है टाई, यहाँ पे क्या है टाई। फिर यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, इसको जैसे ही सिलेक्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, इज इट ओके। देन दिस ऑप्शन रेस्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, आपने इसको ऑप्शन को सिलेक्ट किया फोर्थ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचा। ऐसा आता है, यानी जरूरी नहीं कि अपना आंसर आ गया, आपको चेक तो करना ही पड़ेगा कि हर सिटी में घूम के आए कि नहीं। तो ये क्या है अपना ए बी सी डी ई, ए बी सी डी है। अब ध्यान से देखो, आप कहां गए, कॉस्ट बाद में देखेंगे, अभी कॉस्ट को इंपोर्टेंस नहीं देते क्योंकि कॉस्ट बढ़ा रहा है। ए टू कहां गए, सी, सी टू ये सी है, सी टू कहां पे गए ई, फिर ई टू बी, बी टू डी गए और डी टू इसी होती। ये कोइंसिडेंटली पहली बार में हो गया, बाकी जनरली नहीं होता। से अगर ये तो आंसर आ गया, यहाँ पे उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कैसे हो जाएगी, आप ध्यान से लिखो, नहीं ऐसा नहीं, 22 होगी ऐसा नहीं, आपको ओरिजिनल कॉस्ट देनी पड़ेगी, बराबर। जैसे ए टू सी, उसकी कॉस्ट क्या है ए टू सी की 3, फिर सी टू ई की, सी टू ई 5 और ई टू बी, ई टू बी 4, फिर बी टू डी 3 और डी टू ए 3। सर फर्स्ट वाला 7, ए टू सी 7 है, ओके सर 12 प्लस 4 इज 16 एंड 20, नेट ऑफ इफेक्ट ऑफ 2 ओनली, ओके। लेकिन सुनो मैं क्या बोल रहा था, ऐसा हर बार नहीं होता, आपको तो ट्रायल एरर करना है। जैसे मान लो आपको नहीं पता चला और आपने 2 से नहीं स्टार्ट किया, मान लो 1 से स्टार्ट किया, जनरली 1 से स्टार्ट करना चाहिए, तो से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, चेक करो मैं जैसे यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो उस रो और उस कॉलम में दूसरे जीरो में कैंसिल कर दूंगा, उस रो और कॉलम में, तो दिस इज माई फर्स्ट सिलेक्शन। अभी सेकेंड देखो, ये टाई है, यहाँ पे गए तो दिस इज सेकेंड ऑप्शन, जैसे ये मैं सिलेक्ट करूंगा ये क्या हो जाएगा कैंसिल। थर्ड केस रो वाइज टाई, कॉलम वाइज ये आएगा कॉलम, सॉरी ये तो पहले कैंसिल कर देना है, अरे ये तो कैंसिल करो, यहाँ पे 4 इसको सिलेक्ट किया थर्ड नंबर पे तो ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो के, फिर ये क्या हो जाएगा अल्टरनेट सॉल्यूशन, सो दिस इज 4 एंड दिस इज 5। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेक दैट प्रोसेस, ये क्या सब सिटी में घूम के वापस आ सकते हो। तो चलो बोलो ए टू डी और डी टू खत्म हो गया, नहीं तो ये नहीं हुआ परमिशन, ओके। से फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ दिस वन You have to try any other one, सब वन आपको ट्राई करना ही है, ये ओरल ही हो जाएगा। अब देखो ओरल कैसे करोगे आप, जैसे मान लो मैंने इसको सिलेक्ट किया 1, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा क्या होगा, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल और ये कैंसल। ओके तो यहां पे 3 है, दिस इज 1, जैसे इसे सिलेक्ट करूंगा ये कैंसल और ये कैंसल। इज इट ओके? फिर वापस यहाँ पे क्या टाई, यहाँ पे टाई, यहाँ पे एक है, इसको सिलेक्ट किया, दिस वाज माय फर्स्ट सिलेक्शन। फिर यहाँ पे जाओ क्या करा, इसको सिलेक्ट करोगे तो ये तो कैंसल एंड ये अगेन यू हैव टू ट्राई ए बी सी डी ई, ए बी सी डी एंड ई। तो क्या होगा, ए टू कहाँ गया, डी गए और डी टू कहाँ गए, ये वापस खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो दिस वे यू हैव टू ट्राई। एक्चुअली पहली बार इसीलिए आ गए क्योंकि हमने 2 ले लिया, 1 लेते ना 3-4 ट्रायल हो ही जाता है, क्योंकि देखो ये 1 में भी नहीं आया, ये 1 में भी नहीं आया, 1 खत्म हो गए। तो अब क्या ट्राई करते हैं 2, फिर 2 खत्म हो जाए तो 3, उस तरह से करना है ट्राई। सो एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछते हैं नेक्स्ट टाइम कर सकते, बट है नहीं टेक्निक आगे पढ़िए। चलो आना जीवन છે ને બીજો સમ છે, એ તમે પોતે ટ્રાય કરવાનો છે, આના પછીનો સમ છે, लिखो आ थोड़ा। चलो आउट है શું કરવાનું છે, don't read fast, read slowly. An organization is producing 4 different products ABCD. We have 4 operators PQRS. They are capable of making all 4 products. Effectively, they are working 7 hours a day. The time in minutes, underline करो, time in minutes required for each operator for producing each of the product are given in the cell of the matrix. तो जो matrix में जो सूज है, it is time for, but it is used in minutes. It is in minutes. So in 1 hour, how many? In 1 day, how many hours you are working? 7. 7 hours the minute to next day also. They have to plus multiply by 60. 40. 420 minutes होंगे पूरे दिन में. Okay. The first what I need to do, I need to find out production. पहले तो मुझे production schedule ढूंढना पड़ेगा. मेरा प्रोडक्शन सीरीज आएगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके साथ प्रॉफिट मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रॉफिट टेबल आएगा, और प्रॉफिट टेबल आएगा उसके बाद मैं क्या करूंगा, लॉस मैट्रिक्स एंड देन माय सम विल स्टार्ट। ओके आफ्टर 3 स्टेप प्रोडक्शन शेड्यूल कैसे होगा, चलो ध्यान से देखो। आई एम डूइंग फर्स्ट थिंग, फिर आपको कैलकुलेटर से मुझे आंसर देना है। तो यहाँ पे क्या आएगा डेटा, एवरीवन 420 मिनट्स है और एक यूनिट के लिए आपको 6 मिनट चाहिए। ओके तो व्हाट इज योर आंसर, 17 हाउ मच, 17 ओके सबने सही है। ओके तो यहां पे प्रोडक्शन शेड्यूल आएगा, ओके ये यूनिट्स आएंगे, फिर उसके बाद क्या आएगा उसका प्रॉफिट टेबल। तो फर्स्ट व्हाट यू टू डू, डिवाइड बाय 420 डिवाइड बाय 6। ओके तो यहाँ पे क्या आएगा 70 बाजू में, 420 डिवाइड बाय 10 इज 42, 420 डिवाइड बाय 14 30, 430 420 डिवाइड बाय 12 35, 7 60, 430 डिवाइड बाय 5 84, 3 140 4 105 6 70 7 60 10 40 10 21 42 28 20। ओके अभी प्रॉफिट टेबल क्या होगा, जो यूनिट्स आ गए आपके उसके साथ यूनिट मल्टीप्लाई विद प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट देखो ध्यान से, यहाँ पे प्रॉफिट है 3 2 4 और 1। ओके तो दिस एंटायर सीरीज विथ 3 7 3 21 60 into 3 180, 70 into 3 210, 21 into 3 62, 84 168 120 84 54 4 4 156 156 120 1 13 to 4, 120, 560, 168, 112. Then it is 6. Then how we have to do? This is minimization tools. हमारे उधर घटे बढ़े नहीं, तो अंतिम करो प्रॉफिट घटी जाए। ये आपके सुपर ऊपरे लॉस मैट्रिक्स से सुपर वाम लास्ट एक तरफ कर दो ना। मैक्सिमम हमारी बद्दी वैल्यू माइनस करेगा। So loss matrix will start. Okay, loss matrix will calculate everything. 560 minus sell value. Okay. चलो यहाँ पे क्या आएगा? 350. क्या चल रही है बड़ा? 380. क्या हम कब यहाँ पर? 380. Okay, 380. 350. 350. 497. 497. 476. 476. 392. 392. 440. 440. 476. 440. 0. 1392. 448. 525. 525. 455. 518. 518. 532. Okay. चलो अब जल्दी होगी क्लास में पता चलेगा। So now that last matrix is done. फिर आपका रूटीन सम स्टार्ट हो जाएगा रो ऑपरेशन। तो यहाँ पे सबसे कम है 350। तो 350 माइनस 350 0. 126, 90, 170, 90, and 175. Okay, यहाँ पे सबसे 0 है ही पहले से, so data remains same. Next, 0, 90, 42, 158. इसमें सबसे कम है 448. 49, 28, 0, 84. ओके, अब ध्यान से देखो इसमें क्या होगा। रो ऑपरेशन हो गया। When we start कॉलम ऑपरेशन में जीरो वाले कॉलम में तो कुछ होने नहीं वाला। तो आज सेम प्रेस है कॉलम ऑपरेशन। तो दिस इज कॉलम, यहाँ पे चेंज होगा। 28 है तो 0, 98, 364, 62. यहाँ पे अगेन 0 है, सो इट विल रिमेन सेम। यहाँ पे 84, 91, 371, 371, 84, 0. चलो क्या लगता है कितनी लाइन्स होगी? 4 नहीं, 2, 3. आपको क्या करना है? मैक्सिमम बोलो जीरो, मैक्सिमम 0 विद मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स। तो मैं आ गया एक साथ ले लेसो L1 आ मैंने एक साथ ले लिया। તમે સમજો જો 4 કરો તો શું થાય? હું તમને કીધું તું મે લાસ્ટ લેક્ચરમાં, તમે આમ 1 2 3 4 કરો ને તો શું થાય તમે સમજો। માની લો તમે આને સિલેક્ટ કર્યો, આને સાંભળો, આને સિલેક્ટ કર્યો, સેવ પર આઈટમ, તો તમે આ જીરો કેન્સલ કરી નાખશો તો આ કોલમમાં કોઈ રહેશે જ નહીં આમ। તો એ તમને ખબર પડે તમારી ભૂલ છે। હવે આગળ વધીએ। આમાં વોટ ઇઝ મિનિમમ? 62. तो यहाँ पे क्या होगा ध्यान से देखो। पहले लाइन से वहां पे कुछ नहीं होगा, इंटरसेक्शन वहां पे ऐड हो जाएगा। तो 380 एंड 42, 422, देन इट इज 0, 49 एंड 42, 91. ओके, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अभी बाकी जगह पे माइनस, तो दिस विल बी 0, 56, 90 minus 42, 48, 91 minus 42, 49, 49. Okay. 20. 42. चलो टेल मी. ત્રણો કરીએ છે તો બતાઈ દેવાનું. This is 1. This is 2. This is 3. Okay. फिर सबसे मिनिमम क्या है? तो यहाँ पे 9 चीज, यहाँ पे 9 चीज, यहाँ पे 0, यहाँ पे 20 प्लस 111 0, यहाँ पे 20 प्लस, यहाँ पे 0 0 0 40, बाकी जगह से 0 माइनस करो 36 344 0 29 351 3 कई कर सब पहली लाइन समझाओ वाला थर्ड रो પછી તો બોલ સેવા नहीं जो वाला लाइन वाले बड़ी पचास हो फिर इसमें आपके पास ऑप्शन है बराबर सिलेक्शन करेंगे ये फर्स्ट तो ये कैंसिल यहाँ पे जाएंगे तो ये सिलेक्ट किया ये कैंसिल यहाँ पे जाएंगे तो इसको सिलेक्ट किया ये ओके अब ध्यान से देखो क्वेश्चन के अंदर ये क्या था P Q R S P में ये सिलेक्ट है P के लिए A Q के लिए C R के लिए B और S के लिए D लेकिन सुनो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे डेटा कहाँ से लोगे पता है प्रॉफिट टेबल है और यार आंसर विल गो रॉन्ग क्वेश्चन में से भी नहीं लेना है प्रोडक्शन में भी नहीं लेना है प्रॉफिट टेबल तो देखो P में से A व्हाट इज द आंसर बोल रहे हैं Q में C सी प्रॉफिट है ना जो मैक्सिमम वाला ही सिलेक्ट होगा यू गेट आइडिया ओनली 120 ये भी टोटल नहीं मनी चलो सो क्वेश्चन नंबर 14.6 they have given number of pages typist आपने से typist की speed आ गई है pages per hour है एक कलाक में 12 पेज करे तो 200 पेज करना मार्केट लोड है so what we have to do we can find out directly cost table typing cost so give the column to this order column is very important so here it is P Q R S and D यहाँ पे आपको 200 पेजेस चाहिए यहाँ पे 176 पेजेस चाहिए यहाँ पे 150 कॉलम बहुत डिफिकल्ट है अभी आप समझिएगा वैसे वो बात सही है क्लियर अंडरस्टूड बट सी नाउ दिस इज पेजेस दिस इज रिक्वायरमेंट अभी क्या करेंगे पेज पर A B C B and E everyone please go करना the table is little dangerous ये तो कहीं पे आता ही नहीं है 200 will this only for your calculation purpose so now question is यहाँ पे क्या अमाउंट है 200 divided by check carefully 200 by A तो B and A का कॉम्बिनेशन करना है आपको B and A so it is 200 यहाँ पे दिया है डिवाइड बाय इसका स्पीड क्या है 12 इसका स्पीड क्या है 14 इसका स्पीड क्या है 8 इसका स्पीड क्या है 10 इसका स्पीड क्या है यानी ये सब के सब कॉलम जो है आपको क्या करना है पता है 200 डिवाइड बाय 12 बट सी दैट विल गिव यू आंसर क्या आता है एग्जैक्ट 16.67 will be converted to 17 okay and 17 into rate अभी एक का रेट सबका रेट भी अलग है ओके तो रेट्स में नीचे लिखा हूं इसका रेट 5 है इसका रेट 6 है 3 है 4 है तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको जीरो के सो क्या आएगा आंसर 85 Is it okay? First one is done. Cover पड़े હવે તમે બધા फटाफट કેલસીથી આન્સર બોલજો એટલે આપણને આઈડિયા આવી જાય. ઓકે પહેલા છે આખું એ બતાઈએ. શું કર્યું પહેલા 176 ડિવાઇડેડ બાય 12 શું આન્સર આવે? તો 17 * 5 again 85. ઓકે 150 ડિવાઇડ બાય 12 1 आंसर. चलो 300 डिवाइड बाय 12 120. अच्छी हायर साइड करें मल्टीप्लाई 125 180 डिवाइड बाय 12 15 75 75. ओके अब आखिरी सीरीज चेंज करके 14 से डिवाइड करो. 200 डिवाइड बाय 14 इनटू रेट इज डिफरेंट 6 90 90. 176 divided by 14 is equal to 78. 78. 150 divided by 14. 66. 300 divided by 14 is equal to 132. 132. 180 divided by 14 into 6. 78. 78. Now entire series is getting changed. 200 divided by 8. The answer will round off and then 3. 75. 66. 176 divided by 8. 66. Into 3 jump. Get change. 150 divided by 8. 57. 57. 114. 4. 69. चलो 10 आया. 200 डिवाइड बाय 10 इज 20. 20 into 4 80. 17.6 એટલે 18. 72. 60. 111. 72. The last one 200 divided by 11. Our balancing answer is rounding off into 4. 76. Last one 64. 64. Last one 68. 68. 56. 56. 300 divided by 11. 112. So now this is your cost table. So Amata Mother Process, then your standard answer starts. Yeah, preparatory raw operation. 5 by 5 matrix. तो उसमें सबसे ज्यादा 90, सबसे कम 75. 75 में 0, 76 में 1, 85 में 10, 55. ओके. What is next minimum? 64. 0. यहाँ पे 21. 14. 2. 8. 56. 0. 10. 9. 9, 10, 1, 4. एक भी मैथमेटिकल एरर भी तो सम खत्म हुआ. कैलकुलेशन करना है 112 0 1 4 13 20 8 13 20 8. Then it is 68. 7 10 1 4. चलो अब रो ऑपरेशन हो गया. नेक्स्ट इज कॉलम ऑपरेशन. 3 40. अभी देखो ऐसे सम होंगे ना. नेक्स्ट दैट विल एंड अप. आप विल नॉट वेस्ट टाइम. हां अभी भी करेगा नहीं ये कर देते हैं खत्म. बराबर. दिस इज यहां पे कोई चेंज नहीं आएगा. यहां पे कोई चेंज नहीं. यहां पे क्या सबसे कम 9 0 7 है. सॉरी 7 तो क्या आएगा 3 14 2 6 0. Then it is 10. So 5 4 0. Then it is 0. बच्चे यहाँ पे सबसे कम क्या है 4 1 4 0 4 0. चलो बता लास्ट वन लास्ट कॉलम चार हो जाते हैं L1 जी ये वाला दो फोर फिफ्थ रो सेकंड आने दिया गया था हां जी फोर्थ रो ओके अभी टू आंसर नहीं होगा ना 5/7 जरा चाहिए आप बताएं नंबर चलो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा 3 5 0 यहाँ पे ऐड होगा इंटरसेक्शन पॉइंट है 3 0 2 0 2 दिस विल रिमेन सेम लास्ट वन विल रिमेन सेम 12 2 अभी बैलेंस 12 2 0 2 4 8 0 10 6 रो में 3 છે અને થર્ડ કોલમ માં 3 તો યુ હેવ ટુ ઓપ્શન્સ ઓકે એટલે કોઈ ભી પહેલા કરી શકે L1 L2 થર્ડ રો અથવા તો કોલમ सरपति जय बड़ो जो प्राणा ये लोग के एक्सेप्ट हो रहा है चलो सबसे पहले जीरो लाइन्स तो ये जीरो है, ये जीरो इंटरसेक्शन पॉइंट पे 2 ऐड करूंगा तो 3 0 3 यहाँ पे से 2 0 0 इंटरसेक्शन पॉइंट पे 4 4 3 0 2 है ये बराबर इट इज 0 एंड इट इज 4 अगेन 0 0 इज इट ओके अभी बाकी की जगह पे 1 आएगा 3 आएगा 1 2 4 एक बार बड़ी चेक कर लीजिए 0 0 2 यहाँ पे भी 2 इंटरसेक्शन पॉइंट पे चेंज होगा 3 0 3 0 ओके ना चलो अब 1 माइनस करना है आपको इट इज 2 4 4 0 11 1 1 3 7 लास्ट रो थर्ड रो हाँ और फर्स्ट एंड सेकंड ओके चलो सबसे पहले रो वाइज टाई यहाँ पे भी टाई यहाँ पे भी टाई यहाँ पे भी टाई यहाँ पे भी अल्टरनेट सॉल्यूशन हो गया कभी स्क्वायर में बॉक्स आता है ना ऐसे नहीं पे जीरो बॉक्स लिखा है ना तो इट इज अल्टरनेट सॉल्यूशन आपके पास 2 आंसर ओके वैसे ही आपको हिंट मिल जाएगी फिर आप कॉलम वाइज जाओगे तो इसको सिलेक्ट किया सी यहां पे व्हाट वी आर डूइंग वी आर राइटिंग 2 अल्टरनेट आंसर्स इट इज अल्टरनेट 1 then we are writing alternate 2 okay so सबसे पहले इसको कॉलम रो वाइज तो सब टाई था तो कॉलम वाइज एक ही था तो उसको पहले सिलेक्ट किया तो इसको जैसे ही सिलेक्ट करोगे ये सब कैंसिल ओके वापस रो टाई 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 कॉलम वाइज दिस इज सेकंड जैसे इसे सिलेक्ट करोगे ये कैंसिल टाई 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 आपसे और जैसे इसे सिलेक्ट करोगे ये कैंसल और ये आपका ऑप्शन है अभी ये ऑप्शन देखो ये मैं अल्टरनेट 1 कर रहा हूँ अल्टरनेट 1 यानी क्या मैंने इसे सिलेक्ट किया जैसे मैं इसे सिलेक्ट करूंगा ये कैंसल हो जाएगा और ये दिस इज कनेक्टेड टू दिस अल्टरनेट बराबर ध्यान दीजिए। तो क्या होगा, इसका पूरा आंसर क्या आएगा? सबसे पहले पी क्यू आर एस टी, टी ने आपने शुरू आपी, टी ने डी, और डी की कॉस्ट क्या है 80। ओके, फिर क्यू ने शुरू आपी देना है सी, यानी कॉस्ट मुझे 66। आर ने शुरू आपी देना है बी, यानी कॉस्ट मुझे 66। एस ने शुरू आपी, एस ने शुरू आपी, ई का कॉस्ट क्या है 112, और एस लास्ट में टी का उसका 75। इसका टोटल करो पहले। और शुरू अल्टरनेट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? आंसर तो सेम ही आता है। ओके, आंसर इज सेम। अभी मान लो हम ग्रीन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? पहला तो यही आने वाला है, पहला यही आने वाला है, दूसरा ऑप्शन भी ये है, थर्ड ये है। यहाँ पे टाई था, इन दोनों में से कुछ भी, इन दोनों में से कुछ भी। कॉलम में आओ तो भी इन दोनों में से कुछ भी और इन दोनों में से कुछ भी। से फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ दिस आई सिलेक्ट दिस। ओके, तो जैसे मैं ये सिलेक्ट करूंगा तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा और ये भी मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो दूसरे ऑप्शन क्या बचता है? ये तो ग्रीन में मेरे ये दो ऑप्शन आते हैं, अल्टरनेटिंग टू। ओके, सो चेक केयरफुली, पी में तो डी ही आने वाला है विच इज 80। ओके, लेकिन क्यू में चेंज हो जाता, क्यू में जो पहले सी था उसकी जगह क्या आएगा ई, और ई आएगा तो वहां पे क्या है 64। फिर सुनो आर, आर में क्या आएगा? वो तो सेम ही है बी, वो क्या आएगा 66। लेकिन एस जो है उसमें पहले ई था, अब क्या जाएगा सी, और एस का सी क्या है 114। एंड लास्ट अगेन टी का सेम रहेगा 70। फिर आप इसका टोटल करोगे ना, इट शुड मैच 399। उसको अल्टरनेटिव सॉल्यूशन बोलो। जैसे यहाँ पे आप समझो दो काम हो गए, तो यहाँ पे दो बढ़ गए ना, फिर आंसर विल बी दिस इज अल्टरनेट सॉल्यूशन। चलो शू कहते हैं, data are given in 1000, but we can convert the entire table in 10,000 form. So school is here, four rules they have given. So if we insert entire data in thousands, the students are given data. 4 by 4 matrix stages. So we have 40. This is prohibited. Yes. 30. Yes. 50. 40. Yes. 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 20 and 40. This question is asked by issue 2-3 times. Copy this. So important question. Second background question, because इसमें इतने सारे zero आ गए ना कि maximum confusion हो जाता है। पहले first step आता है, उसके बाद सबसे पहला step क्या था? Row operation. What is row operation? Row में से सबसे एफॉर्म कम है वो सबने से माइनस करें। सबसे कम क्या है 40? 40 में से 40 क्या है तो? And it is 10, 10 dash dash, dash 0, 0, 10 dash 0, okay, उसके बाद क्या आएगा? कॉलम ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन में कोई भी 0 है, तो सेम रहेगा, so we will not waste time, it's column operation as well. फिर हम क्या करते हैं? Maximum 0 with minimum number of lines, तो कितनी लाइन 1, 2, 3, 4 होती है सब? चार में पता हो तो यू विल नॉट गेट एनी एलोकेशन। लास्ट टाइम बोलो थी ना, अब ये जीरो ने पहला भेज दो। ओके, तो त्रण लाइन से, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिवाइज द मैट्रिक्स। एंड हाउ विल रिवाइज द मैट्रिक्स? જે અનકવર સબ છે અમારી સૌથી ઓછું શું, એન્ડ ધેન ઇન્ટરસેક્શન પોઈન્ટ જે હોય ત્યાં શું કરવાનું? એડ કરવાનું, અને જે લાઈન્સ હોય ત્યાં કશું નહીં। तो 0 से जाएगा सुना ही, 10 से जाएगा सुना ही। इंटरसेक्शन में 10 ऐड करें, बट इफ इट इज प्रोहिबिटेड रूट नो इफेक्ट। प्रोहिबिटेड એટલે યાદ છે ને, એલોકેશન કરવાનું જ નથી। તો इट इज डैश डैश 0 डैश 0, हियर इट विल बी 0 डैश 0 डैश 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 0 एंड 0, नो मैक्सिमम 0। હવે શું કરવાનું? અગેન 3 લાઈન કઈ કરી શકાય? આમ 4. Okay. So this is 1, this is 2, this is 3, and this is 4. So thank you 4 lines. Now we'll start allocation. So we will add allocation के लिए row wise एक. So row wise select करो तो column wise तो not cancel. Row wise tie तो कहीं नहीं करो. Third segment. Row wise select. This is our first selection. This is our second selection. आज यू select करो तो नहीं होगा cancel. Tie over here 1. This is my third selection. So in that row it will get cancelled. So this is my fourth selection. The answer की डाउन C1. तो क्या है root 1 और root 1 की cost क्या है 40,000. C2 root 2 40,000. C3 root 3 20,000. C4 root 4. Total is 1 lakh. Okay, चलो सिंपल फटाफट बताइए. चलो एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90. यू विल फाइंड इट इन योर पीएम फर्स्ट टाइम आस्क्ड इन 2013 or 2014. यार लोगों ने न तो आवड़ा था पर बिकॉज फर्स्ट टाइम इफ यू आर लुकिंग इन एग्जाम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक. लेट्स सी. આપણે માની લઈએ કે આપણે જ એક્ઝામ માં બેઠા છે ને પહેલી વાર પૂછાય તો જોઈએ કેટલું મગજ ચાલે છે. A manager was assigned a task and operator one task for one operator. So question is of assignment so as to minimize the time taken. He was given a matrix of the hours. उसको hour के matrix उसने दिया था. First he performed row operation which we also perform generally. Secondly he performed column minimization जो हम भी करते हैं generally. और फिर उसे रियलाइज हुआ क्या कि 4 टास्क के और 5 ऑपरेटर ऐसा नहीं करते. क्यों? क्योंकि आपको पता है जब हम सबसे पहले चेक करते हैं कि इट इज बैलेंस मैट्रिक्स और नॉट. हम होते हैं तो डमी कब इंसर्ट करते हैं? पहले. इसने डमी कब इंसर्ट किया? थर्ड स्टेप रो कॉलम करने के बाद. एंड एट द थर्ड स्टेप वी इंट्रोड्यूस डमी रो एंड कंटिन्यूड विद दिस फोर्थ स्टेप. फोर्थ स्टेप भी उसने कर लिया जिसमें हम क्या करते हैं? ड्रॉइंग लाइंस टू कवर जीरोस, मिनिमम लाइन विद मैक्सिमम जीरोस. ही ड्रू टू वर्टिकल एंड टू हॉरिजॉन्टल. अगर हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन पर करते हैं तो एक मार्क्स आता है. ना तो कोइंसिडेंटली એને બ્રેકેટ માં લખી દીધો ઓપરેટર 3 ને, બાકી તમને લોચો પડે. તો એને બે વર્ટિકલ લાઇન્સ ખેંચી અને પછી શું લખી દીધું? સ્ટેપ 5 યુઝને किया कि ही परफॉर्म द नेसेसरी ऑपरेशन. नेसेसरी ऑपरेशन यानी क्या? मिनिमम वैल्यू है अनकवर्ड सेल की, उसे निकाला. फिर जहां प्लस करना था वहां प्लस किया, जहां माइनस करना था वहां माइनस किया, जहां कुछ नहीं करना था वहां कुछ नहीं किया. और वो स्टेप करने के बाद ये मैट्रिक्स है. तो अभी सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा है कि मैट्रिक्स स्टेप 2 में चले जाओ ऊपर. यानी स्टेप 2 यानी कॉलम और रो ऑपरेशन के बाद वाला स्टेप. तो कई तरह का रिवर्स येलो क्वेश्चन है. 3 को जो जीरो लास्ट लाइन है तो जीरो भी तो 3 ने पेलो इंटरसेक्शन और सेट का ऐड करी हो तो मिनिमम अनकवर्ड फील्ड में ही होगा. एज्यूम कर सो गए. सबसे पहले लाइन कौन सी कैंसिल करो वो बोलो. એટલે આમ લાઈન કરીએ ને સમજવા માટે. વર્ટિકલ લાઈન કરવાની કે 2 वो नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा. ऑपरेटर 3 4 અને 4 એન્ड डमी. ये था लाइन, ये उसने किया होगा. चलो अब बताओ कैसे ढूंढेंगे वैल्यू. जीरो जीरो तो जो इंटरसेक्शन है ना वहां पे 3 को जीरो करने का, 5 को 2 करने का, बेटो जीरो कर जीरो से. बेटा जो 3 3 है ना डमी रो में वो जीरो होगा. वो जीरो होगा क्यों? क्योंकि डमी में तो जीरो आ रहा है. आप थर्ड स्टेप पे जब एंट्री करते हो उसके अंदर थर्ड स्टेप में आप इंसर्ट करते हो तो सब जीरो जीरो होगा. तो यहाँ पे अगर 3 है उसका मतलब क्या? इंटरसेक्शन पॉइंट पे आप ऐड करते हो चीज. तो जो अनकवर्ड सेल था, अनकवर्ड सेल उसके अंदर मिनिमम वैल्यू जो थी वो वैल्यू क्या रही होगी? 3. तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट पे प्लस किया होगा. आर यू गेटिंग इट और नॉट? यहाँ पे जीरो है नहीं तो बाजू प्लस नहीं लेगा. ओके, नेक्स्ट कॉर्पोरेट फिर क्या करेंगे? रिवर्स. अभी रिवर्स यानी कि आप समझो, आपको पता है कि जहां लाइन होती है वहां पे कुछ नहीं होता. इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहां पे प्लस किया होता है. तो ओरिजिनल डेटा क्या होगा पता है आपको? ये जीरो सुनो, ये 3 - 3 यानी 0 और ये भी 3 - 3 यानी 0 और ये 0 ही था। और यहाँ पे क्या करो 5 3 0 2 5 में से 3 जाएगा तो 2 0 0 0 3 - 3 એટલે 0 ઇન્ટરસેક્શન મે તો પ્લસ કિયા હોગા ના। હવે આ બધી જગ્યાએ શું કરો? પ્લસ કરતા છે। હા હું તો ધરાનો અહીંયા પ્લસ કરવું પડે। સો ધીસ વિલ બી 4 + 3 7 6 + 3 9 7 ये 0 आएगा, ये 0 और ये 0। अभी प्लस कर दूं सब जगह पे 5 6 6 3 0 नहीं 3 3 6 4। ओके, दिस इज योर आंसर नंबर 1 स्टेप 2 के बाद। सुनो सर ये क्या होगा, देखो ऐसा हो जाएगा। फिर उसने क्या सोचा होगा, देखो ये डमी है, ये पूरी डमी की એટલે એને અહીંયા એક લાઈન ખેંચી હશે, પછી यहाँ पे 4 0 है तो दूसरी लाइन ऐसे खींची होगी उसने, फिर तीसरी लाइन ये खींची होगी और चौथी लाइन ये खींची होगी। और फिर ये सब कॉलम में से सबसे छोटा कौन है? 3। और फिर उसने क्या किया होगा, 7 में से 3 गए तो 4। एंटर प्रोसेस हो गया। इजी ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ आंसर। इससे ऊपर आप नहीं जा सकते क्योंकि रो और कॉलम ऑपरेशन के लिए ना आपको ओरिजिनल डेटा पता होना चाहिए। अगर ओरिजिनल डेटा नहीं पता तो डिफरेंस गलत आएगा। रो ऑपरेशन क्या होता है, मिनिमम में से सब माइनस किया है। तो अगर मान लो मिनिमम 10 है और नेक्स्ट वैल्यू 12 है तो आप क्या लिखोगे, 12 में से 10 गया तो 2। लेकिन मिनिमम 100 है और नेक्स्ट वैल्यू 102 है तो भी डिफरेंस तो 2 ही आएगा ना। सो यू कांट गो टू फर्स्ट स्टेप। ओके, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर ऑपरेटर 1 2 and 5 थियोरेटिकल क्वेश्चन। શું લાગેગા? What is the most difficult task for operator 1 2 and 5? टाइम जिसमें ज्यादा ले रहे हो। हाँ, अभी तो अपने पास ऑप्शन कुछ है नहीं, इसमें तो आपको क्या देखना है जो टाइम कंज्यूमिंग है, टास्क टेकिंग मोर टाइम। टास्क टेकिंग मोर टाइम इज डिफिकल्ट। तो टास्क 2 જે છે ને તમે ધ્યાનથી જોશો सो यू विल रियलाइज के टास्क 2 में सबसे ज्यादा टाइम क्या है। यानी इसकी बात करें तो 6, इसकी बात करें तो 3 और इसकी बात करते तो 6। दिस इज ओके। चलो देन थर्ड आंसर, हु इज मोस्ट एफिशिएंट वर्कर। एफिशिएंट वर्कर, हु इज मोस्ट एफिशिएंट वर्कर। एफिशिएंट वर्कर कौन है? अच्छा वर्कर बेस्ट वर्कर ये आपने विचारो, बोलो कयो वर्कर 4 के 5 4 આવે સૌથી ઓછો ટાઈમ કે સર આ તો 0 ન દેતો પ્લસ માઈનસ આયા પછી 0 છે। ઓકે, પણ તો આનો ડિફરન્સ સૌથી ઓછો છે એટલે હી ઇઝ મોસ્ટ એફિશિયન્ટ, યુ આર મેકિંગ મિનિમમ ટાઈમ। ઓકે, પછી એને શું પૂછ્યું છે, ઇફ યુ આર નોટ ટોલ્ડ એનીથિંગ અબાઉટ મેનેજર્સ એરર। If you are not told anything about manager's error, which operator would be denied any task and why? એટલે એને શું કીધું, if you don't know anything about manager's error तो क्या होगा? आप समझो अगर आपको मैनेजर के एरर के बारे में कुछ पता नहीं है तो अब क्या होगा, आपको पता ही नहीं कि आपने डमी लास्ट में इंसर्ट की तो अब क्या नहीं पता है तो आप नॉर्मल सम के हिसाब से कर दोगे, ये उत्तर है ना। तो ये यहाँ का डेटा उन्होंने दे दिया है। ओके, सो आई एम रीराइटिंग द डेटा या फिर मैं इसमें करूँ, पता चलेगा आपको। नाउ एवरीवन प्लीज चेक, यहाँ तक हमने स्टेप करके रखा है। नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस सिचुएशन, वी हैव टू प्रोसीड अगेन, आगे बढ़वाना। तो શું કરવું પડશે, પહેલા લાઇન્સ ખેંચવી પડશે, બધી પર લખવું પડશે। ओके चलो अभी हमें नहीं पता था स्टेप, अभी हम खुद करने जाएंगे आगे। इफ यू डोंट नो अबाउट मैनेजर्स एरर, यानी मैनेजर का जो एरर है दैट वी डोंट नो, तो हम तो नॉर्मल समय ऐसा मान लेंगे। तो आगे करते चलो, लाइंस कौन सी खींचेंगे सबसे पहले? અહીંયા ત્રણ છે, અહીંયા ત્રણ છે, અહીંયા ત્રણ છે, પતી જશે સમજો। L1 L2 L3 you take this L4 and take this L5 done। चलो एलोकेशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वेरी गुड, आने આપણે પહેલા લઈ આને જીવ લઈશું ફર્સ્ટ, આ કેન્સલ આ કેન્સલ, પછી આને લઈશું સેકન્ડ લેયર પર, આ કેન્સલ આ કેન્સલ, टाई 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 थर्ड कॉलम इसे लेंगे थर्ड नंबर पे, तो ये कैंसल और ये पता है आपको अल्टरनेट बॉक्स आ गया अल्टरनेट, तो ये है आपका अल्टरनेट नंबर 1 ग्रीन, तो ये दोनों सिलेक्ट होगा, ये दो कैंसल। सो दिस इज योर आंसर। उसका क्वेश्चन क्या है, मैनेजर गो अहेड इफ डोंट नो अबाउट द एरर व्हिच ऑपरेटर विल बी डिनाइड द वर्क। अब ध्यान से देखो, ये था T1 टास्क, ये T2 ये T3 ये T4 और ये टास्क था ही नहीं, ये डमी था, डमी था, इसीलिए ये वर्कर 1, ये वर्कर 2, ये वर्कर 3, ये वर्कर 4 और ये वर्कर 5। तो ये वर्कर 2 जो है उसको डमी काम किया, तो डमी तो काम होता ही नहीं है। तो क्वेश्चन जो है उसके हिसाब से किसे डिनाइड करेंगे काम? सुनो, वर्कर 2 और 1। वाई? बिकॉज अगर आप ये सिलेक्ट करते तो ये दोनों कैंसिल हो जाता, तो 1 2 और 1 एस अल्टरनेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट, अल्टरनेट सॉल्यूशन है, इसलिए दो ऑप्शन अवेलेबल। और फिर उसने फिफ्थ क्वेश्चन पूछा है कि कैन ए मैनेजर गो अहेड विद द असाइनमेंट, कैन करेक्टली गिव ऑप्टिमल असाइनमेंट और शुड ही स्टार्ट एफ्रेश। तो ही शुड स्टार्ट एफ्रेश, आउट ना करें, बराबर है। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन आस्क्ड, वेरी गुड क्वेश्चन, पण पहली बार एग्जाम में ना आवे। सर इसका हमेशा आंसर ये है कि स्टार्ट फ्रेश। हाँ, एडवाइजेबल टू स्टार्ट फ्रेश, क्योंकि उसमें क्या होता है डेटा नहीं, फर्क ना पड़ेगा। हाँ, वो कोइंसिडेंस होता है, दैट इज ओनली कोइंसिडेंस एंड इट इज मेथड ओनली, प्रूवन पहले थी।